नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले बांदा से बड़ी खबर बता दें, जहां सराफा व्यापारी के संग हुई लूट का बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने किया लूट का खुलासा। अभियुक्तों के पास से 3 अवैध तमंचे भी किए पुलिस ने बरामद। अभियुक्तों के पास से 3 तमंचे, बासीवा देवदार गांव के पास सराफा व्यापारी को बनाया था अपना शिकार। बांदा में सराफा व्यापारी के साथ लूट की हुई घटना। एसओजी और बांदा पुलिस ने किया लूट का खुलासा। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे भी बरामद, 3 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये शातिर जिन्होंने अपना निशाना सराफा व्यापारी को बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी मुस्तैदी को दिखाते हुए इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है, ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। एक फरार अभियुक्त की तलाश में लगी हुई है पुलिस। बता दें सराफा व्यापारी अपने घर को जा रहा था, जिस वक्त उसके साथ ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कनपट्टी पर तमंचा लगाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरा माल बरामद कर लिया है। लूट का पूरा सामान बरामद किया है, साथ में 3 अवैध तमंचे भी इन अभियुक्तों के पास से बरामद किए गए हैं। एसओजी और बांदा पुलिस के संयुक्त ने लूट का खुलासा किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो शातिर हैं जिन्होंने सराफा व्यापारी को अपना निशाना बनाया था, और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी खोजबीन लगातार पुलिस कर रही है। तो बांदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बांदा में सराफे व्यापारी के साथ लूट का यह खुलासा हुआ है। एसओजी और बांदा पुलिस ने लूट का खुलासा किया, 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और संवाददाता अनंत दीक्षित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी अनंत, पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई थी, जिसका खुलासा कर दिया गया है, जानकारी दें। देखिए सौम्या, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीती 13-14 की रात को बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जो कि सराफा व्यापारी के साथ हुई थी। और हमलावरों ने स्टंप से, क्रिकेट के बैट से हमला करके सराफा व्यापारी से बैट छीना था, जिसमें लाखों रुपए की नकदी और जेवरात थे। और उसमें से पुलिस ने अब इस पूरे मामले को खुलासा किया है, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक अभियुक्त अभी फरार है। और 40,000 रुपए की नकदी पुलिस अभी रिकवर कर पाई है, बाकी जेवरात रिकवर कर लिए हैं, मतलब मैक्सिमम रिकवरी पुलिस ने कर ली है, लेकिन अभी एक अभियुक्त पुलिस की हिरासत से बाहर है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने इस लूट का खुलासा कर दिया है, बड़ी कार्रवाई देखी गई है। जो एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, उसको लेकर के पुलिस की क्या कार्रवाई देखी जा रही है? देखिए, जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इन्हीं से पूछताछ की जा रही है, और लगातार पुलिस जो एक अभियुक्त अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश डाल रही है, छापेमारी कर रही है, और उम्मीद है कि शीघ्र ही फरार अभियुक्त भी पुलिस के कब्जे में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ संवाददाता आनंद जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार तत्परता दिखा रही है। साथ ही सारा सामान भी पुलिस ने सराफा व्यापारी के साथ जो लूट के वक्त इन लोगों ने लूटा था, उसको भी बरामद कर लिया है।